इवनिंग एवरीवन, मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। नमस्कार मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स, दिस इज डॉक्टर वानी ऑन बिहाफ ऑफ वेदांत बायोटेक। मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। चैप्टर 7 क्लास 12th का टॉपिक है एवोल्यूशन। वन शॉट में पूरी एनसीईआरटी आपको आज करवा देती हूँ, क्या कहते हो? So my favorite students are here. I can see Nada, I can see Nandini, I can see Monica, I can see Shreya. I'm much better, guys. Yesterday I was really scared. मुझे एक तरफ से लगे मुझे डेंगू हो गया है, एक तरफ से लगे यार कि मुझे मतलब मुझे I got COVID. Don't ask. अब मैं 2-3 महीने के लिए बैंगलोर नहीं जा रही हूँ। I'm not even getting out of my home. Yes. एक तो पता है वहाँ पर you know I was in Bangalore और you know I was there was another lady teacher who was with me but she was outside till raat ko 2-3 baje tak party chal raha tha. Main to 9:30-10 baje sone walon mein se hu, to raat bhar I was waiting for her to come back. I'm looking at my watch, 1 baj gaya 2 baj gaye 2:30 baj gaye, when is she going to come back? Next day meri flight subah 4 baje thi, so I had to run to the airport at 3 o'clock. Oh god, it was just like crazy. Yes, now I'm much better, so I think it was exertion, it was just overall exertion. Now much better. So let's get going. Chapter 7, evolution. Pin drop silence in my class. Chaliye. Everyone, let's start this topic. Let's start this topic. Right, everyone? So aaiye. So can you see I've already written everything? Yes. So evolution में मैं आपको 7.9 आपको सारी चीजें दिख रही है। I want pin drop silence in my class. I want everybody to focus and everybody let us get started. So सबसे पहले जो आपको पहली लाइन दिख रही है उसी पे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि evolutionary biology is a study of history of life forms. Life forms earth पर कैसे आए उनकी स्टडी करना कहलाता है evolutionary biology. I hope I'm audible, I hope I'm visible. मेरे सारे बच्चों को मैं दिखाई सुनाई दे रही हूँ, एक बार फटाफट से yes ma'am कह दीजिए। Let us now move to the next important part. एक एक करके let us move to the important part and let us then solve this entire chapter. ठीक है, origin of life पे आते हैं। Origin of life पे questions आते हैं, there is a very high chance of questions आने का, और इसमें जो जो important है वो सब मैंने यहाँ पर पहले से ही आप लोगों के लिए mark करके रखा हुआ है। Origin of life पे जो भी important, राइट? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट एवर इज इंपॉर्टेंट आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड इट, मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। चलिए तो आते हैं यहाँ पर, लेट्स मेक इट टू 25% एंड लेट्स गो टू द मिडिल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ, एक बार आप स्टार्स को देखो, देखो स्टार्स को जितना टाइम लगता है अर्थ तक अपनी लाइट को लेकर आने के लिए, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर्स। तो आपको ये पता होगा बच्चों कि अगर मैं किसी स्टार को देख रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आज भी वो स्टार शाइन कर रहा है, हो सकता है लाइट ईयर पहले उसमें जो लाइट दी है वो आज मुझे मुझ तक मिल रही है। सो व्हेन वी लुक एट द स्टार्स, इट इज लाइक लुकिंग बैक इन टाइम। आपको पता है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है एंड अर्थ इटसेल्फ इज लाइक अ स्मॉल स्पेक, बहुत छोटा है। दिस दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल अस कि यार कितना बड़ा है, इट इज सो ह्यूज, एग्जैक्टली यही बताने। नाउ एमसीक्यूज कैसे आएंगे? वेरी वार्म गुड इवनिंग एवरीबॉडी, पे अटेंशन। सबसे पहले आएगा एज ऑफ द यूनिवर्स। सो द एज ऑफ द यूनिवर्स इज नियरली 20 billion years old, right everybody? 20 billion MCQ का question आ सकता है। Now universe बहुत बड़ा है, earth एक छोटा सा part है, तो universe का formation कैसे हुआ था, origin of the universe कैसे हुआ था? उन्होंने कहा था एक बहुत बड़ा burst हुआ था, उस बहुत बड़े burst को big bang theory कहते हैं। तो अगर कभी आया व्हाट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उसको हम कहेंगे बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसको हम फिजिकल टर्म्स में इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ होगा, राइट एवरीबॉडी? उसके बाद यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, टेम्परेचर इसकी वजह से ही कम डाउन हुए बिकॉज एक्सपैंड हुआ, और पहली गैसेस जो बनी थी वो थी हाइड्रोजन हीलियम। क्या आपको दिख रहा है यहाँ बहुत सारे वर्ड एमसीक्यूज दिखे? सो बिग बैंग थ्योरी, एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होने की वजह से टेम्परेचर कम हुआ एंड द फर्स्ट गैसेस व्हिच वर फॉर्म्ड वर हाइड्रोजन एंड हीलियम। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? गैसेस जो है वो धीरे धीरे ग्रेविटेशन की वजह से कंडेंस हुई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन? नाउ धीरे 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 वो पास आने लगेंगी, कंडेंस हुए अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज जो आज के यूनिवर्स में भी दिखाई देती है। इन द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसके अंदर हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। So in the solar system, the Milky Way galaxy, Earth जो है वो 4.5 billion years पहले
बना है. कितने साल पहले बना है? यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. गाइस आई एम मच बेटर टुडे, थैंक यू सो मच नितिन. राइट, अब सबसे पहले जब अर्थ बना है उसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था. इसको देखो मैंने क्या लिखा है बाय हार्ट, रट्टा मार लीजिए. जो भी मैंने ग्रीन कलर के पेन से आज लिख कर लाई हूं उस सारे को आप रट्टा मारेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? वुड यू ऑल डू दैट? यस मैम, लिख दीजिए त्याशा. राइट एवरीबडी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी रिवीजन चल रहा है. अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं था, वॉटर वेपर था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था जो मोल्टन मास से आया. चार गैसेस बताइए क्या क्या थी. वॉटर वेपर था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था. आपको इसको बाय हार्ट करना है. यूवी रेज जो सन से आई उन्होंने पानी को तोड़ दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन जो है वो एस्केप कर गया, हाइड्रोजन बाहर को निकल गया. ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वॉटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. धीरे धीरे ऑक्सीजन एक ओ से मिला और ओजोन बनी होगी, ओजोन लेयर. राइट, जैसे जैसे वॉटर वेपर ऊपर जा रहा है कूल डाउन हुआ, अर्थ पर आएगा तो अर्थ पर क्रेटर्स बने होंगे, डिप्रेशंस बने होंगे, मीटियोराइट टकराए. आज भी नासा ने बोला कि एक मीटियोराइट का उन्होंने डेटर कर दिया पाथ, मीटियोराइट टकराए होंगे. मीटियोराइट जब टकराए क्रेटर्स बने, उन क्रेटर्स पे धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया. लाइफ अर्थ पर आई अराउंड 500 मिलियन ईयर्स बैक. तो आपको अभी तक मैंने कितनी वैल्यूएशंस करवा दी? तीन. यूनिवर्स बना 20 बिलियन ईयर्स बैक, अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, लाइफ आई 500 मिलियन ईयर्स बैक. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? डन अबाउट 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ. तो अर्थ की फॉर्मेशन कितनी है? 4.5 बिलियन. लाइफ आई 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ. तो लाइफ कब आई? 4 बिलियन ईयर्स बैक. कब आई लाइफ? 4 बिलियन. 20 बिलियन, 4.5 बिलियन, 4 बिलियन. कई साइंटिस्ट कहते हैं कि जो लाइफ है वो बाहर के प्लैनेट से आई है. बाहर के प्लैनेट से किस फॉर्म में आई? स्पोर्स के फॉर्म में आई. इसके अगेन साइंटिस्ट कहते हैं कि मान लो अगर बाहर के प्लैनेट से लाइफ आई तो वहां सर्वाइव कैसे करी, क्योंकि हमारी लाइफ तो अभी बाहर के प्लैनेट में सर्वाइव नहीं कर सकती. तो बाहर के प्लैनेट से इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स. जो भी लाइफ बाहर के प्लैनेट से आती है उसको पैनस्पर्मिया कहते हैं. ये वर्ड आप याद कीजिए. राइट एवरीबॉडी, पैनस्पर्मिया. फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लुई पाश्चर, इनके साथ एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था स्पैलेंजानी. तो लुई पाश्चर और स्पैलेंजानी ने कहा कि यार उन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया. तो लुई पाश्चर और स्पैलेंजानी ने ये कहा कि यार लाइफ जो है वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है. उन्होंने एक स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया. कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? चुनु मुन्नु गैंगस्टर्स. बताओ वाणी नाम को, जल्दी बताओ मेरे चुनु मुन्नु गैंगस्टर्स. उन्होंने किया एक स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट. तो ये स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया, उन्होंने ए बायोजेनेसिस को रिजेक्ट कर दिया. स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला लाइफ जो है वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है. लाइफ कभी भी अपने आप नहीं आ सकती. स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट में लुई पाश्चर, स्पैलेंजानी ने प्रूव कर दिया थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को गलत कर दिया और उन्होंने बोला सिर्फ बायोजेनेसिस होता है. एआई ओपेरन और जेबीएस हैल्डेन दो साइंटिस्ट थे, वो इंग्लैंड के थे. सबसे पहले एआई ओपेरन रशिया के थे, जेबीएस हैल्डेन इंग्लैंड के थे. इन्होंने बोला कि लाइफ हो सकता है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है वो केमिकली आई. राइट एवरीबॉडी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई. हो सकता है केमिकल से, आरएनए बना हो, प्रोटीन बना हो, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ही आगे चल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हो. तो इन्होंने जो बोला उसको यूरे और मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया. चलिए इसको आगे डिटेल में देखते हैं. तो एआई ओपेरन और जेबीएस हैल्डेन ने कहा कि जितनी भी लाइफ है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए प्रोटीन से हो सकता है बनी हो. इज दैट क्लियर? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हो. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? इन्होंने बोला यार कि जो पहले जो अर्थ था उस पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे. राइट, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था. रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब है ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड था और उसके अलावा मीथेन था, अमोनिया था और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे जैसे आरएनए प्रोटीन जिनसे लाइफ शुरू हुई. इस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंट किया 1953 में दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम था स्टैनली मिलर, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे. यस, यूरे एंड मिलर दो साइंटिस्ट थे. उन्होंने अर्थ के हाई टेम्परेचर को दिखाने के लिए एक डिस्चार्ज प्लग लगाया.
वो डिस्चार्ज प्लग 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है yes, और नीचे से बॉइलिंग वाटर लगाया, वाटर वेपर डाला, 800 डिग्री सेल्सियस उसके अंदर मेंटेन किया, और गैसेस कौन सी डाली, सेम गैसेस, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन नहीं लिया, वाटर वेपर लिया, मीथेन लिया, अमोनिया लिया और हाइड्रोजन लिया. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? डन. अब हम इसको डिटेल में देखते हैं. तो इन्होंने कैसे प्रोड्यूस किया, देखो ये आपकी ये एक है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? यहां भी वाणी मैम ने दो चार चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, श्रेया, राइमा, त्याशा. तो ये यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट था. इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लिए, इलेक्ट्रोड जो है वो लाइटनिंग का काम करते हैं. जैसे ओपेरन हेल्डेन ने कहा था कि बिजली कड़कती है, तो स्पार्क डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोड जो है वो बिजली कड़कने का, लाइटनिंग का काम करते हैं. इन्होंने यहां बॉइलिंग वाटर लिया, इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस रखा. ये जो बॉइलिंग वाटर है इसका मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग वाटर का मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पर वोल्केनिक इरप्शन, जैसे अर्थ के पानी को बॉइल करते हैं वैसा इन्होंने यहां पर लिया हुआ था. यहां पर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मीथेन था, अमोनिया था, वाटर वेपर था, हाइड्रोजन था, और ये कंडेंसर है, ठंडा करेगा जिसकी वजह से रेन वाटर पड़ेगा. तो वाटर इन आउट, ये कोल्ड वाटर है कंडेंस करने के लिए, और धीरे धीरे यहां पर पानी इकट्ठा होना शुरू हुआ जिसको वो बाहर निकालते थे और धीरे धीरे स्टडी करते थे. तो इन्होंने देखा कि यार ये जो लिक्विड जो इकट्ठा हो रहा है इसके अंदर प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स बनना शुरू हो गए. दिस इज कॉल्ड द यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट. जो ओपेरन और हेल्डेन ने जो जो कहा था यूरे मिलर ने उसको करके दिखाया. और अगर आज भी हम एंशियंट मीटियोराइट्स जो अर्थ पर गिरते हैं उनकी स्टडी करेंगे तो हमें वही कंपाउंड्स मिलेंगे जो यूरे मिलर को यहां पर मिले थे. वी विल नियरली गेट द सेम कंपाउंड्स. इज दैट क्लियर? तो ये वाली थ्योरी कहती है कि बहुत धीरे धीरे बायोजेनेसिस हुआ, और बायोजेनेसिस जो हुआ एक ऐसी चीज से हुआ राइट कि द फर्स्ट फॉर्म मॉलिक्यूल्स बड़े स्लोली एवोल्यूशनरी फोर्सेस से आए. किससे बने? नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स. और धीरे धीरे अमोनिया से, मीथेन से, वॉटर वेपर से, हाइड्रोजन गैस से कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बनकर आ गई. This is what this experiment says. Now, अगर मैं religion की बात करूं, अगर मैं religious literature की बात करूं, और किसी एक religion की नहीं, majority of the religions की बात करूं, तो वो सारे एक special theory की तरफ point out करते हैं. सब कहते हैं कि God ने create किया, एक special theory की तरफ. Right everybody? Special theory. ये word दिख रहा है आपको? Special creation. MCQ mark किया हुआ है मैंने कि आप सबको special. इस special creation के तीन parts हैं. सबसे पहले कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे एज इट इज आ गए, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, जो भी एज इट इज रखे गए वो शुरू से अभी तक सेम है. सेकंड पॉइंट, इनमें कोई चेंज नहीं आया. ऐसा नहीं था डायनासोर है एक्सटिंक्ट हो गया, कोई चेंज नहीं आया, सेम है शुरू से. और अर्थ जो है वो सिर्फ 4000 साल पहले आया है. तो उन्होंने तीन पॉइंट बोले कि यार इनमें जितने भी हैं वो एज इट इज हैं, शुरू से ऐसे ही क्रिएट किया गया है सब कुछ, क्रिएशन सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, और अर्थ जो है वो 4000 साल पहले ही क्रिएट किया गया है. फिर एक साइंटिस्ट आए 19th सेंचुरी में, उन साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स डार्विन, और वो एक शिप पे सेल करना शुरू किए. शिप का नाम था HMS बीगल. आपको दिख रहा है वाणी मैम ने इधर भी एमसीक्यू किया हुआ है. सो चार्ल्स डार्विन एंड HMS बीगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है. और ये बहुत सारा घूमने गए, ये इतना घूमे कि ये फाइनली एक बहुत रिमोट आइलैंड तक पहुंचे जिस आइलैंड को गैलापागोस आइलैंड कहते हैं. और इन्होंने फिर बोला कि यार एज इट इज नहीं रखा गया है, सेम क्रिएशंस नहीं हुई है, बहुत ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है. टीआर मैल्थस के साथ ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए. चलिए अब मैं आपको इन चीजों के बारे में कराती हूँ. क्या आपको दिखाई दे रहा है? मैंने एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए मार्क की हुई है. कैन यू पे अटेंशन? इन्होंने कहा कि जितनी भी ऐसी कैरेक्टर्स होती हैं जो हमें बेटर बनने में हेल्प करती हैं, जो हमें नेचुरल फोर्सेस के साथ कंबाइन करके बेटर लाइफ जीने में हेल्प करती हैं, हमें इवॉल्व करने में हेल्प करती हैं, वो धीरे धीरे हम अपने अंदर इकट्ठा करते हैं. नेचुरल कंडीशंस क्या होती हैं? सर्वाइव, क्लाइमेटिक कंडीशंस, फूड, फिजिकल फैक्टर्स. इसीलिए धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर वो सारी चीजें इकट्ठी करते हैं जो हमें ओवरकम, किसी नेचर की प्रॉब्लम को ओवरकम करने में हेल्प करता है.
इसने एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया जिसपे बहुत एमसीक्यूज आते हैं, वो है फिटनेस। हमेशा फिटनेस रिप्रोडक्टिव ही मानी जाती है, वो ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा बच्चों को जन्म दे सके, एक एवोल्यूशनली फिट ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा बच्चों को जन्म दे सके वो डेफिनेटली फिट है और नेचर उसे चूज करेगा, सिलेक्टेड बाय नेचर। इसके बारे में मैं बात करूंगी। दो साइंटिस्ट थे जिनसे चार्ल्स डार्विन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। एक साइंटिस्ट का नाम था अल्फ्रेड वॉलेस। अल्फ्रेड वॉलेस एक नेचुरलिस्ट थे, नेचर की स्टडी करते थे, मलय आर्किपेलेगो में स्टडी करते थे जो प्रेजेंट डे मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा वाला एरिया है। तो अल्फ्रेड वॉलेस एंड मलय आर्किपेलेगो। दूसरे साइंटिस्ट जिनके जिनसे ये बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए, इनका वर्क बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ, उनका नाम था टी आर मैल्थस, जिसका नाम होता थॉमस आर मैल्थस, टी आर मैल्थस। तो टी आर मैथ्यूज के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी लेटर और आएगा। उन्होंने पॉपुलेशन स्टडी किया, राइट? और इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि सब ऑर्गेनिजम्स एक समय पे एक साथ पाए जाते हैं। शुरू से ऐसा इन्होंने कहा कि अर्थ पर डिफरेंट टाइम जोन्स आई, डिफरेंट एराज आई, डिफरेंट पीरियड्स आई, एपोक पीरियड ये सब कहा जाता है। हर एक टाइम जोन पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स आए। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करती है नालायकों। अर्थ जैसे जैसे इवॉल्व हुआ, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली कोरिलेट करती है। इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिजम्स ने धीरे धीरे इवॉल्व किया है। जब इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिजम्स ने धीरे धीरे इवॉल्व किया है तो बट ऑब्वियसली बात है श्रेया, बट ऑब्वियसली बात है त्याशा, बट ऑब्वियसली बात है सायदा, कि लोगों ने इनसे पूछा अगर ऑर्गेनिजम्स ने धीरे धीरे इवॉल्व किया है, मान लेते हैं, तो आप मुझे बताइए एविडेंस क्या है आपके पास? लोग पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? आदित्य बताओ, स्टाइलो सैयद पूछेंगे लोग? यस एवरीबडी, 22-20-50 गाय कह रहे ब्यूटीफुल मैम हाई, आई हैव नॉट कम फॉर क्लास टू वॉच यू मैम, यू आर सो अमेजिंग, तो मुझे वॉच करने आए बेटा, क्या मतलब यार, मैं इस चीज का मैं कैसे, यू नो हाउ विल आई एवर रीपे यू बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा ना, हाय यस, अभी मुझे कुछ तो बदले में तुम्हारे लिए करना पड़ेगा बेटा कि तुम्हें वॉच करके एकदम अल्टीमेट सुख की प्राप्ति हो, इसीलिए अभी तुम्हारी आंखों को ना और कहीं नहीं देखना चाहिए बेटा, एक बार मुझे देख लिया अभी कुछ और देखना नहीं चाहिए ना, इसलिए मैं तुम्हें ब्लॉक कर देती ताकि और बायोटॉरिक पे तुम कुछ मत देख पाओ अभी के अभी। यस, चरम सुख की प्राप्ति होनी चाहिए बेटा तुम्हें। यस एवरीबडी, क्या कहते हो? सो ब्लॉक यूजर, परफेक्ट। अभी बेटे को बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही होगी, पर होना चाहिए बेटा ऐसे, अल्टीमेट आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। यस एवरीबडी, शुभ काम में देरी क्यों, राइट एवरीबडी? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट चारो इन द नेक्स्ट सम टाइम। कितना कितना टाइम पीरियड होता है इपोक पीरियड, वो मैं एंड में अभी आप लोगों को कराने वाली हूं, राइट एवरीबडी? चारू जस्ट स्टार्ट। अच्छा गाइस, बाय द वे, बहुत सारे मेरे साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हू फॉलो मी फ्रॉम कर्नाटका, फ्रॉम केरला, फ्रॉम तमिलनाडु एंड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, एंड अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर फ्रॉम महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। सो मेरे जितने नॉर्थ के बच्चे हैं उनको तो इंग्लिश समझ में आती है, और जितने मेरे साउथ के बच्चे हैं अनफॉर्चुनेटली उनको कई बार हिंदी समझ में नहीं आती। सो मैंने सोचा है जस्ट वंस अ वीक आई विल टेक अ 2 आवर क्लास, अ मैराथन सेशन ऑन इंग्लिश, वंस अ वीक, व्हाट से इंग्लिश मैराथन, वेयर आई एम गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट इट्स जस्ट गोइंग टू बी एन इंग्लिश मैराथन। यस एवरीबडी, सो इफ यू लाइक द आइडिया प्लीज मेक क्लास वंस अ वीक, बिकॉज माई मेजोरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर फ्रॉम महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, they will be able to understand English. But some of my South Indian students from Andhra Pradesh specifically, from Karnataka, from Mizoram also I have students, from Manipur I have students, from Tamil Nadu I have students, they may not be able to understand Hindi. So I thought once a week I should do something for my English speaking audience. Yes everybody, Delhi ke bachche to sab samajhte hain, kya English kya Hindi, bade smart hote hain. So I must do something. Yes, everybody. Perfect. So I'm going to start with human physiology. Once a week, human physiology marathon will be in English. Every Wednesday, it will be English marathon.
हर वेडनेसडे कूल एवरीबडी गाइस लाइक कौन करेगा शेयर कौन करेगा सब्सक्राइब कौन करेगा डन 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 बेस्ट टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी सो आई विल डू टू टू टॉपिक्स हैदराबाद के सारे बच्चों के लिए टू टू टॉपिक्स इन एवरी मैराथन थ्री थ्री टॉपिक्स और यू अच्छा ह्यूमन फिजियो चाहिए कि प्लांट फिजियो चाहिए आई थिंक प्लांट फिजियो व्हाट डू यू वांट आज के कमेंट सेक्शन में डाल देना यू वांट ह्यूमन फिजियो यू वांट प्लांट फिजियो कूल कहा गया वो 2050 भाग गया बच्चा ओके सो कैन वी कम टू एविडेंसेस अब जब चार्ल्स डार्विन ने कहा कि यार मेरे को लगता है ये एक साथ नहीं हुए इन्होंने इवॉल्व किया है तो लोगों ने इनको पूछा कि भैया तुम एविडेंस बताओ तुम बोल रहे हो इवॉल्व किया है इवॉल्व करने का एवोल्यूशन तो एविडेंस तो दो सबसे पहला एविडेंस है फॉसिल्स व्हाट इज द फर्स्ट एविडेंस बताइए वाली मैम को व्हाट इज द फर्स्ट एविडेंस सबसे पहला एविडेंस है इनको कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिले जो आज पाए नहीं जाते पर पहले पाए जाते थे फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो कभी पुराने प्रोबेबली सम टाइम दे वर देयर दे फाउंड फॉसिल्स अब जितने भी फॉसिल्स थे वो सेडिमेंट्री एरियाज में थे सेडिमेंट्री एरियाज में क्यों थे क्योंकि वो सेडिमेंट हो जाते हैं जितना फॉसिल ओल्ड है प्लीज इस पॉइंट को लिखिए याद रखिए जितना फॉसिल ओल्ड है उतना वो डीप पाया जाएगा जितना फॉसिल न्यू है उतना वो ऊपर पाया जाएगा डू यू अग्री विद मी जितना फॉसिल ओल्ड है उतना वो नीचे पाया जाएगा जितना फॉसिल न्यू है उतना वो ऊपर पाया जाएगा इज दैट क्लियर एवरीवन इज दैट क्लियर एवरीवन डन अंडरस्टूड कई ऑर्गेनिजम्स के ऐसे फॉसिल पाए गए जो एक्सटिंक्ट हो गए थे जो आज की डेट में पाए नहीं जाते एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स डायनासोर्स के फॉसिल्स पाए गए राइट एवरीबॉडी और इन्होंने देखा कि कई लाइफ फॉर्म्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर जियोलॉजिकल टाइम स्पैन में ही पाए गए हैं ना उसके आगे ना उसके पीछे दैट मीन्स इतने टाइम पीरियड में ये वाले ऑर्गेनिजम्स थे उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गए इसे कहा जाता है पेलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस क्या कहा जाता है पेलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस व्हाट इज इट कॉल्ड पेलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस फॉसिल्स पेलियोन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल एमसीक्यू नंबर वन और दूसरा एमसीक्यू में आपको टाइम और डेट कैसे पता चलेगा कितना पुराना फॉसिल है यू आर गोइंग टू डू द रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड विच मेथड आर यू गोइंग टू बी डूइंग रेडियोएक्टिव डेटिंग मेथड अगेन मैंने आपने लिखा हुआ एमसीक्यू पेलियोटोलॉजिकल एविडेंस जियोलॉजिकल टाइम स्केल एमसीक्यू फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स पेलियोटोलॉजी एमसीक्यू इज दैट क्लियर एवरीवन तीन चीजें मैंने लिखी हुई है एमसीक्यू में मार्क की हुई है जो आपके डायरेक्ट एमसीक्यूज में आएंगी एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट एक साइंटिस्ट और आया जिस साइंटिस्ट का नाम था अर्नेस्ट हैकल क्या नाम था साइंटिस्ट का बच्चों बता दो अर्नेस्ट हैकल एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल इसने कुछ एम्ब्रियो के फीचर्स देखे अर्नेस्ट हैकल जब इसने फीचर्स देखे इसने बोला दैट एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एम्ब्रियोज ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी यस एवरीबॉडी तो इसने कहा कि अगर ह्यूमन एम्ब्रियो भी देखा जाए उसके भी गिल स्लिट्स बनते हैं अगर ह्यूमन एम्ब्रियो भी देखा जाए पहले वन चेंबर्ड हार्ट बनता है फिर टू चेंबर्ड हार्ट बनता है फिर थ्री चेंबर्ड हार्ट बनता है और फिर फोर चेंबर्ड हार्ट बनता है एम आई करेक्ट एवरीवन एम आई करेक्ट एवरीवन मेरे बच्चों क्या आपको ये सब दिखाई यस एवरीबॉडी अर्नेस्ट हैकल ने कहा इसको डिसअप्रूव करने वाले साइंटिस्ट का नाम था वॉन बियर इसको डिसअप्रूव करने वाले साइंटिस्ट का नाम था वॉन बियर उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता पर अर्नेस्ट हैकल ने कहा ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी जो नए लोग भी हैं जैसे ह्यूमन बींग्स वो भी अपनी पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करेंगे पहले हार्ट वन चेंबर्ड फिर टू चेंबर्ड फिर थ्री चेंबर्ड फिर फोर चेंबर्ड इसके बाद हम आते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में दो चीजें देखी जाती हैं एक होती है होमोलोगी और एक होती है एनालोगस तो अर्नेस्ट हैकल का थ्योरी को डिसअप्रूव करने वाले साइंटिस्ट कौन थे बेटा अर्नेस्ट हैकल की थ्योरी को डिसअप्रूव करने वाले साइंटिस्ट का नाम था यस वॉन बियर तो ये देखो ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि यार हमेशा फैमिली ट्री उन्होंने कहा देखो एक से ओरिजिन लिया जाएगा क्योंकि ऐसे हमें फॉसिल्स देखने को मिले राइट स्टीगोसॉरस से आया ब्रेकियोसॉरस आया आर्कियोपेट्रिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स फिर ट्राइनोसॉरस आया फिर टीराडोन आया फिर ट्राई
सेराटोपस आया, फिर क्रोकोडाइल आया, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. तो कहते हैं हर चीज को हम लिंक कर सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक से हम हर चीज को लिंक कर सकते हैं. राइट एवरीबॉडी. तो इन्होंने बोला अब जैसे बेटा ये जो है होमोलॉजी एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का, प्लीज ध्यान दीजिए. देखो बेटा अगर आपने कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर का एनाटॉमी पढ़ा है, प्लीज ध्यान दीजिए, अगर आपने कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर का एनाटॉमी पढ़ा है तो आप देखोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर बोन्स का सेम है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस. तो अगर आप देखोगे वेल्स को, उनके पास फ्लिपर होते हैं, बैट्स को उनके पास विंग्स हैं, चीता को उसको तेज भागना है, और ह्यूमंस को किसी भी चीज को ग्रास्प करके लिखना है, डेक्सटेरिटी चाहिए, इनकी बोन सेम होंगी. अगर आप बैट को देखो, चीता को देखो, ह्यूमन को देखो, वेल को देखो, बोन्स इनके पास सेम होगी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस. दैट मींस इनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम होंगे, फोर लिम्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, सेम स्ट्रक्चर होगा बट सबके डिफरेंट फंक्शंस होंगे. इसे कहा जाता है होमोलॉजी. स्ट्रक्चर सेम होगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, एक स्ट्रक्चर से अलग अलग फैल के फंक्शन अलग करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन भी ऐसा होता है, इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं. थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविला कुकुरबिटा भी ऐसा होता है, लीफ के एक्सिल से निकलता है, पत्ते के एक्सिल से. एक जगह थॉर्न है, एक जगह टेंड्रिल है. थॉर्न ग्रेजिंग से बचाएगा, टेंड्रिल क्लाइम करने में हेल्प करेगा, बट ओरिजिन सेम है, उसका एनाटॉमी सेम है, लीफ के एक्सिल से निकल रहा है, सेम चीज आगे जाके अलग अलग तरह के काम कर रही है. सबके पास ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस है. कोई स्विम कर रहा है, कोई फ्लाई कर रहा है, कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई ग्रैस्प कर रहा है, ये भी सेम लीफ एक्सिल से निकल रहे हैं. एक थॉर्न बन रहा है, एक टेंड्रिल बन रहा है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. एनालॉजी इसका ऑपोजिट है. एनालॉगस कहता है कि मेरे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर है बट मैंने फंक्शन जो है वो सेम करना है. पहले आप इधर देखो, सब में आपको ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस नजर आएंगे. दिख रहे हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस. देखो कितने बैट में फैले हुए हैं. तो सबके अंदर एनाटॉमी सेम है बट सबके अंदर एनाटॉमी सेम हो के फंक्शन अलग है. दैट इज रेफर्ड टू एज होमोलोगस स्ट्रक्चर. एनालोगस क्या कहता है, बर्ड को भी फ्लाई करना है और इंसेक्ट को भी फ्लाई करना है. बर्ड के अंदर इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम. बर्ड के अंदर इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम. बर्ड जो है फोर लिम की मॉडिफिकेशन है भैया. और इंसेक्ट के अंदर इट इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम. इंसेक्ट के अंदर तो अपेंडिज है पर दोनों सेम फंक्शन कर रहे हैं. देखा, टुवर्ड्स द सेम फंक्शन. ये एनालोगस है. एनालोगस स्ट्रक्चर्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में, कन्वर्जेंट फंक्शन पे मिल रहे हैं. एक के अंदर फोर लिम है, एक के अंदर अपेंडिज है, पर दोनों फंक्शन पे मिल रहे हैं. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन. Hence the same similarity, same function में मिल रहे. Sweet potato के अंदर root की modification है, potato के अंदर stem की modification है, पर दोनों का काम है storage. Sweet potato very important MCQ question. Root की modification है, potato stem की modification है, पर दोनों storage पर मिल रहे हैं. That is called as analogous. That is called as convergent. Right? इनसे हमें ये पता चलता है कि एंसेस्ट्रल तो सेम थे, एंसेस्ट्री तो सेम थी. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी. ह्यूमन बीइंग्स ने बहुत ब्रीडिंग भी करी, बहुत ऑर्गेनिजम्स को डोमेस्टिकेट किया, नई ब्रीड बनाई. मिलियंस ऑफ इयर्स में छोटे 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 चेंज होकर एक्यूमुलेट हुआ. छोटे छोटे चेंज जब एक्यूमुलेट हुए तो एक नई ब्रीड बन गई. Is that clear? थोड़े 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 चेंजेस एक्यूमुलेट हुए, नहीं
एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमें पता चला जब हम स्पेशली बात कर रहे हैं, वेरी वेरी स्पेसिफिक टॉपिक की बात कर रहे हैं, व्हिच इज हमें ये देखना है, जैसे चार्ल्स डार्विन ने कहा कि एवोल्यूशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ, इसको एंथ्रोपोजेनिक भी कहते हैं। 1850s की बात कर रही हूँ मैं, पहले जो पेड़ थे उनके ऊपर लाइकन उगती थी। लाइकन आप सबको पता है सल्फर ऑक्साइड के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अगर कहीं पर भी एयर पोल्यूशन होगा लाइकन मर जाएगी, सबको पता है कहीं भी एयर पोल्यूशन हुआ लाइकन बेचारी मर जाएगी। 1850 से पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, पेड़ों पे बहुत ज्यादा लाइकन लगी हुई थी और उस लाइकन में व्हाइट कलर का जो मॉथ है वो छुप जाता था। व्हाइट कलर की लाइकन, व्हाइट कलर की मॉथ, दोनों छुप गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई, लाइकन पेड़ से उड़ गए, पेड़ से उड़ने के बाद पेड़ का तना ब्राउन ब्लैक कलर का हो गया, सफेद कलर की मॉथ तो इजीली दिखाई देने लग गई और जो ब्लैक कलर की मॉथ थी वो छुप गई। पहले व्हाइट कलर का तना था क्योंकि लाइकन उगा हुआ था, व्हाइट कलर की मॉथ छुप जाती थी, ब्लैक कलर की मॉथ इजीली दिखाई देती थी, इसीलिए जो बर्ड्स हैं वो ब्लैक कलर की मॉथ को खा लेते थे। अभी ब्लैक कलर का तना, ब्लैक कलर की मॉथ कैमोफ्लेज हो गई। यस एवरीबॉडी, शालिनी मेरे बच्चे, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो ये प्रोपोर्शन रिवर्स हो गया, 1850 से लेकर 1920 तक उल्टा पुल्टा सब हो गया। यस और नो, पहले देखो, पहले राइट एवरीबॉडी, व्हाइट में पहले जब पेड़ व्हाइट होगा तो ये दिखाई नहीं देती थी व्हाइट, ब्राउन दिखाई देती थी। अब जब पेड़ ब्राउन हो गया तो ये क्या, ये छुपने लग गई, व्हाइट जो है वो दिखाई देने लग गई। इस ऑब्जर्वेशन से पता चला कि कॉन्ट्रास्टिंग जो बैकग्राउंड होता है उस पे एकदम प्रिडेटर का नजर पड़ता है। यस और नो चुनी मुनी, यस एवरीबॉडी, चुनी मुनी बताओ, जल्दी बताओ, यस कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड पे नजर। कैमोफ्लेज आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैमोफ्लेज पहले कौन कैमोफ्लेज हो रहा था, ऑफ व्हाइट, बाद में कौन कैमोफ्लेज हो रहा है, ब्लैक कलर का। और ह्यूमन बींग्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, ह्यूमन बींग्स के इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मौत का नंबर चेंज हुआ। तो बेटा क्या मैं इसको एंथ्रोपोजेनिक कह सकती हूँ, एंथ्रोपोजेनिक, क्या मैं इसको भी एंथ्रो, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया। अब देखो बेटा, इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत लोगों को मलेरिया और डेंगू होता था, तो इंडिया ने डीडीटी स्प्रे करना शुरू कर दिया पॉन्ड्स में। 2-3 साल तक तो काम बहुत अच्छा चला क्योंकि हम डीडीटी स्प्रे कर देते थे। उसके बाद जो मच्छर है वो डीडीटी से रेजिस्टेंट हो गए, राइट। शुरू में जब पेनिसिलिन आई तो सारे लोग क्योर हो गए, सब लोगों का बल्ले बल्ले हो गए, सब लोग क्योर हो गए। धीरे धीरे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो गया, पेन, दीज आर ऑल ड्रग्स, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट, डीडीटी से रेजिस्टेंट, दिस इज ऑल एंथ्रोपोजेनिक। थैंक यू दीपांशी, आई एम मच बेटर टुडे, थैंक यू सो मच, आई एम मच बेटर। तुम लोग कितना केयरिंग हो यार, यस तुम लोग बहुत केयरिंग। अच्छा गाइस, तुम लोग को एक दो चीजें बतानी है, वो भी बता देती हूँ बिफोर आई मूव टू अडैप्टिव रेडिएशन, एक सेकेंड। हाँ तो ये देखो, ये तो हमारा चल ही रहा है, कल का क्लास, कल ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ले रही हूँ हेडेक पे यार। अच्छा कितने बच्चों को हेडेक्स होती हैं, हेडेक्स कितने बच्चों को होती हैं, एनिमल किंगडम करवा दूंगी, कितने बच्चों को हेडेक्स होती है एक बार बताओ, पढ़ते पढ़ते आंखों में दर्द, हेडेक। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ले रही हूँ हेडेक्स पर, तो मुझे भी बहुत कई बार हेडेक होता है यार, लाइक परेशान कर देने वाला, तो हम लाइक हेडेक पे भी तो एक लेक्चर लेना बनता है। यस, फटीग होता है, स्क्रीन टाइम से आईज में दर्द होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स एंड व्हाट कैन यू डू अबाउट देम, यू नो। एंड हेडेक भी बहुत अलग होता है, कई बार इधर दर्द होती है, कई बार सर के पीछे इधर दर्द होती है, कई बार ऊपर, कई बार दर्द ऐसी होती है कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, सो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, बिकॉज़ इट डजंट लेट यू स्टडी। आई एम टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टुमारो, प्लीज डोंट मिस इट। हमेशा याद रखना गाइस, ये आपका चैनल है, ये आपके लिए बनाया है, मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, और मेरा एक ही एम है शुरू से यार, हर एक बच्चे को फ्री में। Yes, मैं हम हर क्लास में आपको बताती हूँ, आई विल टीच यू फॉर फ्री, राइट। हर घर वेदांतु जाएगा ही जाएगा यार, तुम्हारे बिना तो मेरा कुछ नहीं होगा, डन एवरीवन, हर घर वेदांतु फ्री में पढ़ेंगे, टेली लाइव भी सत्य में लूंगी। एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं गाइस, ये तो इंपॉर्टेंट है, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता है, मेरा कोरा जो है वो मतलब एक एक दिन में 5,000 व्यूज आ रहे हैं यार, सम 50K व्यूज एंड ऑल हैव हैपेंड। हर एक चीज में मैं रोज के दो आंसर लिख रही हूँ,
मतलब नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू सी रोज के दो आंसर आई एम राइटिंग एवरी डे. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है दैट्स माय टेलीग्राम अकाउंट, प्लीज आ जाइए. एनी प्रॉब्लम एट ऑल कम मीट मी, दैट्स माय टेलीग्राम अकाउंट. यस एवरीबॉडी आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं. और गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एकलव्य में जिसका अगर कोई भी बच्चा आपका आपकी जान पहचान में जो ड्रॉप कर रहा है या आप ड्रॉप कर रहे हो राइट, और आपके 500 से अबव है, ज्वाइन द एकलव्य प्रोग्राम. दे विल टीच यू फॉर फ्री, द बेस्ट 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 टीचर्स आर गोइंग टू टीच यू फॉर फ्री. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिएगा. यस और श्रेया वेरी सून, वेरी सून, वेरी बिजी. मैं बायोटोनियंस के लिए बहुत कुछ प्लान कर रही हूँ, वेरी बिजी राइट. तो एवोल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है, ग्रेजुअल चेंज. अब आ रही हूँ एवोल्यूशन के यूगो डिग्रीज पे. यस, स्लाइड से कितना बेटर है बेटा ऐसे पढ़ना बता दो. अडैप्टिव रेडिएशन कराओ, एंथ्रोपोजेनिक समझ में आ गया वर्ड, बेटर है एंथ्रोपोजेनिक वर्ड समझ आ गया. एनिमल किंगडम करवा दो इसके बाद, डन ठीक है. एक सोचो श्रेया सर को लेके आओ, मेंटी वॉर करवाओ. 650 की स्ट्रैटेजी जो ड्रॉपर्स के लिए वो मैं सैटरडे को करवा रही हूँ. अच्छा गाइस 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 गाइस, एनसीईआरटी के डायग्राम्स करना चाहोगे? 3D एनसीईआरटी डायग्राम्स करना चाहोगे एक बार? एनसीईआरटी के सारे ह्यूमन फिजियो के डायग्राम्स, वो भी 3D में, ताकि सब डायग्राम क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाए. यस, एनिमल किंगडम करवा दूंगी एनसीईआरटी से, टेंशन ना लो, सारा करवा दूंगी, टेंशन ना, मुझे बता दीजिएगा चैट सेक्शन में, डन. क्योंकि ना मैंने अपने स्टूडियो में 3D सेटिंग करी है यार, 3D सेटिंग करी है मैंने, स्पेशल सेटिंग करी है अपने स्टूडियो में, डन. तो करवा दूंगी, टेंशन ना लो. ओके, बिग प्रॉब्लम इन डायग्राम करवा दूंगी, लिख लेती हूँ, एक मिनट दे दो, लिखने दो. लिख लिया, डन. नीतू चंदू कह रहे हैं 4D लेना. बेटा एक और डायमेंशन होता है, थप्पड़ से सर घूमिंग डायमेंशन, राउंड डायमेंशन बेटा, 360 degrees, वो तो बहुत ही अमेजिंग डायमेंशन है. वर्ब कभी आपके साथ? यस, 3D, 4D भी कुछ नहीं है बेटा, एक होता है 360 dimension. जैसे थप्पड़ पड़ता है ना गलत बात करने पे, तो सर ऐसा घूमता है पूरा 360 dimension, उससे बेटर तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता. यस, कितने लोगों को पढ़ा है, मतलब ऐसा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बेटा, वो तो पक्का मतलब मिलना ही चाहिए एक आधी बार. Yes, अगर लाइव ऑनलाइन है ना, अगर नॉर्मल लाइव क्लास होती तो इस कमेंट में 360 dimension दिखाती बेटा मैं आपको, डन. एक उसके बाद एक और डायमेंशन होता है, दिन में तारे देखने वाला डायमेंशन, इवनिंग स्टार डायमेंशन, मॉर्निंग स्टार डायमेंशन, उससे बढ़िया तो बेटा कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, मैं बता रही हूं. ये दो डायमेंशन फॉर स्पेशल कमेंट्स रिजर्वड है. यस, वन इज 360 dimension एंड वन इज दिन में चांद तारे डायमेंशन. ये 3-4 के चक्कर में कहां बैठ गया बेटा तू? यस एवरीबॉडी, चले चुनी मुनी गैंगस्टर्स. अडैप्टिव रेडी, अडैप्ट का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को तोड़ो. अडैप्ट का मतलब क्या होता है, अपने आप को अडैप्ट कर लेना, अपने आप को ढाल लेना, इज अडैप्टिव. यस और नो? यस. जैसे आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं, थोड़ी पर्सनल बात है, पर तुम लोग तो मेरे बच्चे ही हो, आप थोड़ा बता दें. पर एक ना मैंने शुरू से टीचिंग करियर में एक बहुत इंजॉय की एक चीज तुम्हें बताती हूँ स्पेशली, और मैं जनरली ऐसी बात तो यार बहुत टीचर्स ना कमेंट करते हैं ऐसे, बहुत लोग हैं, मैं टीचर्स के नाम तो नहीं ले सकती यहाँ पे ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन, पर बहुत लोग कमेंट करते हैं. पता है क्या बोलते हैं, हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बच्चे आके हमें ट्रोल कर देते हैं, कुछ बच्चे कुछ सेक्सुअल कमेंट्स लिख देते हैं, गंदे कमेंट्स लिख देते हैं, नॉर्मल है, होता है राइट, मतलब हो सकता है, होना नहीं चाहिए पर होता है. And you know what is something which I feel, like I totally feel it. I tell them, see, I also go through it. Lot of people, times people come and they write some bullshit and they'll write some dirty comments and they'll write something and they will go. But I said, let me tell you what, then they ask me, ma'am, you've been on YouTube for a long time. How do you cope up with it? And I say it with a lot of pride.
a lot of pride, I say this, and I say it every time. I tell it to our founders, I tell it to everybody who comes and asks me this question. I said, you know who is my biggest supporter when something like this happens, or who's my biggest cheerleader? I said, you have not seen Biotonians. You have to come to the channel and see Biotonians. I said, वो उस बंदे को ऐसे ट्रोल करते हैं, ऐसे ट्रोल करते हैं कि वो आदमी या औरत या वो बच्चा अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहता. कहते रियली एग्जैक्टली. मैंने कहा यार वो इतनी स्ट्रॉन्ग आदमी है. मैंने कहा वो उसको इतना परेशान कर देंगे. जैसे कल परसों क्या हुआ, कोई बच्चा कुछ कमेंट कर देगा, राइट एवरीबडी, यूट्यूब के अंदर कोई वीडियो चल रहा है उसके अंदर कोई कमेंट आ जाएगा. तो यार वो कमेंट आता है तो ऐसे मेरी टीम का मुझे मैसेज आया, मैम ये वाला कमेंट आया, वो बच्चे ने कुछ लिखा होगा, कुछ तो लिख दिया होगा, मैम इसको डिलीट कर दें. आई सेड नहीं, इसको डिलीट मत करो. तो कहते मैम इसको डिलीट नहीं करें. मैंने कहा डोंट वरी, हमारी आर्मी आ जाएगी, इसके नीचे अपने आप जवाब देके उस बच्चे को चुप करा देगी. कहते रियली. एंड वही हुआ, कल परसों का कोई वीडियो था उसके नीचे बच्चे ने कुछ कमेंट किया हुआ एंड बच्चे आ गए. यस एवरीबडी, यस यू कैन डू दैट हार्मनी. एंड बच्चों ने उसको पूरा एकदम मजे चका दिए वहीं पे. Right, so I feel that is such an amazing thing which happens on this channel. I don't know if it happens on any other channel. I have never taught on any other channel, but that is definitely something which happens on this channel. And for that, I am so proud of you. Yes, everybody? Done? Chali. So number one, let's come to what is adaptive readiness. Now, what is adaptive? Can somebody tell me what is adaptive? Adapt ka matlab hota hai dhal lena. Apne aap ko dhal lena. Dekho beta. मान लो कि आप हॉस्टल जाते हो. अब क्या हॉस्टल में आपको मम्मी के हाथ का खाना मिलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता. तो पर क्या आप फिर भी अपने को ढाल लोगे, जैसा खाना मिलेगा खा लोगे? ऐसे तो नहीं कर सकते रोने लग जाओगे मुझे हॉस्टल मम्मी का खाना है, मम्मी को हॉस्टल लेकर आओ. ठीक है, एक दिन करोगे, दो दिन करोगे, तीन दिन करोगे, चार दिन करोगे, उसके बाद तो तुम लोग अपना खाना खाना ही पड़ेगा ना, जैसा भी खाना मिलेगा. यस और नो? यस और नो? बिल्कुल मैम, यस. राइट, यू विल हैव टू. रेडिएशन का मतलब क्या होता है? हर ये रेज होती है ना, सनरेज, हर जगह फैल जाना. तो बेटा ये था मेनलैंड, मेन एरिया. जैसे मान लो कुछ ऐसे एग्जांपल के फॉर्म में है नहीं, ये मेनलैंड है, ये मेनलैंड, ठीक है, ये मेनलैंड है मान लो. तो यार इस मेनलैंड में वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, फट गया, तो छोटे 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 आइलैंड बन गए. जहां पे जो चला गया उसने उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लिया. डार्विन ने ये गैलापागोस आइलैंड के फिंचेस में देखा. हो सकता है मेनलैंड में एक तरह के फिंच हो. अब मान लो यहां पर कोई बच्चा है हरियाणा का, हरियाणा के जो लोग होते हैं वो दाल बाटी चूरमा खाते हैं, उनको दूध पीने की बहुत आदत होती है, उनको दाल बाटी चूरमा खाते हैं. अब यहां जो बच्चा हरियाणा का, उसको एडमिशन मिल जाती है, मान लेते हैं त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में जो साउथ इंडिया में. तो क्या हरियाणा के बच्चे को या डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज जो असम में है, दाल बाटी चूरमा मिलेगा त्रिवेंद्रम में या डिब्रूगढ़ में? बताओ. सिलचर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलती है जो असम में है, तो क्या हरियाणा के बच्चे को सिलचर में दाल बाटी चूरमा मिलेगा? तो उसको अडेप्ट करना पड़ेगा ना, जो भी खाना उसको वहां मिलेगा उसको खाना पड़ेगा. यस, यस और नो? उसको जो सिमिलरली जो मेनलैंड में फिंचेस थी उनको जो खाना मिलता था उसके हिसाब से उनकी बीक जो थी ढली हुई थी. अब जब अगर मान लो ये वाली ये एक आइलैंड पे चली गई, ये दूसरे आइलैंड पे चली गई, ये तीसरे आइलैंड पे चली गई, ये चौथे आइलैंड पे चली गई, स्टार्टिंग पॉइंट इनका सेम था, दे वर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट. हो सकता है इसने सीड खाना शुरू किया, इसने वर्म्स खाना शुरू किया, इसने नेक्टर पीना शुरू किया, इसने बड़े वर्म्स या सीड्स को खाना शुरू किया, तो उनके हिसाब से इनकी बीक जो है वो अडेप्ट हो गई, कोई इंसेक्टिवोरस बन गई, कोई वेजिटेरियन बन गई, एक पॉइंट से शुरू होकर अलग अलग जगह पर रेडिएट होकर अपने हिसाब से चीजों को अडेप्ट किया. एक पॉइंट मेन आइलैंड से शुरू होकर जहां जहां गई वहां के हिसाब से अपने को अडेप्ट किया. दैट इज कॉल्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन. समझा एवरीबडी? राइट. ओरिजिनल सिर्फ सीड खाती थी, जैसे जैसे गई कई इंसेक्ट खाने लगी, कोई वेजिटेरियन हो गई, कोई नेक्टर सक करने लग गई, उस हिसाब से उसने अपने को अडेप्ट किया. अडेप्ट करना अपनी नई जगह पर जाकर और हर जगह फैल जाना इज कॉल्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन. इज कॉल्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन. यही चीज ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स में भी देखी जाती है. मार्सुपियल्स पाउच्ड एनिमल्स होते हैं.
ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़े अर्थ से, जिसको पैनजिया कहा जाता था, उससे सेपरेट हो गया, पहले ही अलग हो गया। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले अमेरिका चला गया है, अलग हो गया, फैमिली से अलग हो गई, यूएस चला गया, क्या वो आजकल आपकी फैमिली के साथ अच्छे से घुलेगा मिलेगा? यस मैम, नो मैम। स्माइली सनी क्या कहते हो, शेख रेशमा क्या कहते हो, त्याशा क्या कहते हो? नहीं घुलेगा। आपकी फैमिली में कोई आपके चाचा थे, दूर के ताया थे, मामा थे, अंकल थे, वो 35 साल पहले यूएस शिफ्ट हो गए, साल में 2-3 साल में एक बार कभी आते थे, वरना ज्यादा नहीं आते, तो वो आपकी फैमिली के साथ उनका उठना बैठना, मेल मिलाप होगा इतना नॉट हो। दिस इज ऑस्ट्रेलिया, अर्थ पर मैमल्स आने वाले थे, अर्थ अलग है, ऑस्ट्रेलिया पहले ही अलग हो गया, इसीलिए अर्थ पर जब मैमल्स आए, मैमल्स ने मार्सुपियल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया में आइसोलेट हो गए। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कंट्री है, वहां जाकर वो ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो गए और उन्होंने अपने मार्सुपियल्स पैदा शुरू करना शुरू कर दिया। एक मार्सुपियल गया होगा या दो मार्सुपियल गए होंगे या तीन ऑस्ट्रेलिया में अलग हो गए, पर दुनिया से अलग होंगे, दुनिया भर में मैमल्स आ गए, मैमल्स के आने की वजह से दुनिया भर में मार्सुपियल्स का नंबर कम हो गया, पर ऑस्ट्रेलिया में इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो गया। इसका मार्क्ड पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, पर पढ़ लीजिए। टस्मानियन वुल्फ बन गया, टाइगर कैट बन गए, एंट ईटर अलग बन गया, मार्सुपियल रैट, पाउच रैट, कैंगरू बन गया, बैंडिकूट बन गया, कोआला बेयर बन गया, मार्सुपियल मोल बन गया, ग्लाइडर बन गया। कैन यू ऑल सी दिस? राइट एवरीबॉडी, कैन यू सी दिस? दिस इज कॉल्ड एज अडैप्टिव रेडिएशन। वॉम्बैट बन गया, डन एवरीबॉडी। प्लेसेंटल मैमल्स भी जो ऑस्ट्रेलिया में बने, वो भी अलग अलग बने, विच इज सिमिलर टू द मार्सुपियल। अगर मार्सुपियल मोल बना तो नॉर्मल मोल, एंट ईटर बना, देखो इसको नुम्बैट कहते हैं, नॉर्मल एंट ईटर बना। मार्सुपियल माउस, माउस। लेमोर बना, कुसकुस बना। स्क्विरल बना, फ्लाइंग फैलेंजर बना, ये मार्सुपियल है। वुल्फ बना, तस्मानियन डेविल। बॉब कैट, तस्मानियन कैट। इज दैट क्लियर? एसेंस क्या है डार्विन की थ्योरी का? डार्विन की थ्योरी का एसेंस है कि यार नेचर चूज करता है, नेचर किसको चूज करेगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग का मतलब नेचर में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। माइक्रोब जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स बन जाते हैं, राइट एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी खाना जो है वो खाते हैं, माइक्रोब जल्दी डिवाइड करते हैं, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया बनते हैं, जल्दी से अपना खाना खाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं जो दूसरों को आउटग्रो करते हैं बेटा, कुछ ऑर्गेनिजम्स। देखो बेटा, क्या आपको नहीं लगता कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए थे कि ह्यूमन बींग्स सबसे ज्यादा दूसरों को आउटग्रो करते हैं? से यस मैम, नो मैम। आपको नहीं लगता कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ ऐसे चेंज आए होंगे जो एलिफेंट में नहीं है, जो टाइगर में नहीं है, जो क्रो में नहीं है, जो स्पैरो में नहीं है, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स की रिप्रोडक्शन बहुत तेज है, रिप्रोडक्शन तेज होने की वजह से बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं और बाकी सारी स्पीशीज को जो है वो रिमूव कर रहे हैं, राइट एवरीबॉडी? फिटनेस किसकी बेटर होगी? फिटनेस ऑफ बीज बेटर देने है, या फिटनेस किसकी बेटर है? फिटनेस उसकी बेटर है जो रिप्रोडक्टिव, जिसका रिप्रोडक्शन बेटर है, और जिसका रिप्रोडक्शन बेटर होगा उसको नेचर जो है वो चूज कर लेगा। अब देखो बेटा, जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, क्या वो अपनी प्रोजेनी, उसके अंदर ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? अगर उसके अंदर ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसके अंदर बेटर कैरेक्टर्स हैं, जो अडेप्टशन की कैरेक्टर्स हैं, जो अच्छी कैरेक्टर्स हैं, वो उसके अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। जब उसके अंदर अच्छी कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, नेचर उसको चूज कर लेगा बेटा, नेचर उसी को चूज करेगा जो रिप्रोडक्टिवली बेटर है। फिटनेस इज, असली में फिटनेस क्या है, एमसीक्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। फिट वही है नेचर ने जिसको चूज किया है। कौन है फिट? फिट वही ऑर्गेनिज्म है नेचर ने जिसको चूज किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? फिट कौन सा ऑर्गेनिज्म है मेरे बच्चों? फिट वही ऑर्गेनिज्म है नेचर ने जिसको चूज किया है, राइट एवरीबॉडी? मोर रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मोर एवोल्यूशन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? कोई डाउट? डन। नेचर उसको, फिटनेस का मतलब क्या है? फिटनेस का मतलब वो है कि नेचर ने इसको
चूज कर लिया. अब नाउ वन लास्ट थिंग, एक और वर्ड दिख रहा है आपको, ये वर्ड मैंने यहां भी एमसीक्यू मार्क किया है. ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विन थ्योरी. डार्विन का पहला वर्ड क्या है, नेचर सिलेक्ट करता है. नेचर किसको सिलेक्ट करेगा, जो फिट है. फिट कौन होगा, जिसने ज्यादा रिप्रोडक्शन किया. नेचर किसको सिलेक्ट करेगा, जो फिट है. फिट कौन होगा, जिसने ज्यादा रिप्रोडक्शन किया. एम आई करेक्ट, एम आई करेक्ट एवरीवन. अच्छा गाइस, आज आवाज थोड़ी बेटर है, इको कम हो रहा है. मैंने पता क्या खरीदा तुम्हारे लिए, तो मेहनत कर करके मैं थक चुकी हूँ. साउंड एब्जॉर्बेंट फैंस. आई बॉट अ लॉट ऑफ, और इस कमरे में चारों तरफ मैंने साउंड एब्जॉर्बेंट फैंस लगाए हैं, सो दैट यू नो यू आर एबल टू हियर बेटर. डन एवरीवन. Bought a lot of sound absorbent fans. So whatever echo and all is there in the classroom, at least that echo also should not be there. Now, so सबसे पहले nature, Darwin ने क्या कहा, nature choose करता है. Nature किसको choose करेगा, जो better है. और branching descent, एक organism हर बार दो अलग अलग types के बनाएगा, फिर nature choose करेगा. अगर nature ने इसको choose किया, फिर ये आगे दो बनाएगा. Nature ने इसको choose किया, फिर आगे. Did you understand what is branching descent? Nature हमेशा दो, जैसे मान लो ये है, ये आ रहे हैं. नेचर कहते हैं इसको रिजेक्ट, इसको चूज. इसके आगे दो, नेचर कहते हैं इसको रिजेक्ट, इसको चूज. इसके आगे दो आगे, नेचर कहते हैं इसको रिजेक्ट, इसको चूज. तो ब्रांच हमेशा ब्रांच होता रहता है, और जो बेटर सूटेड होता है नेचर उसको चूज कर लेता है. नेचर क्या कर लेता है, उसको चूज. ब्रांचिंग डिसेंट, और फिर जो बेटर होता है नेचर उसको क्या कर लेता है, चूज. इज दैट क्लियर रिद्धि, अलीशु? क्लियर अलीशु? तो डार्विन के आने से पहले जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क साइंटिस्ट था, उसने भी कहा था कि यार जो है एवोल्यूशन हो रहा है. पर उसने कौन सा यूज किया था, यूज एंड डिसयूज. उसने कौन सा वर्ड यूज किया था, यूज एंड डिसयूज. और उसने कौन सा एग्जांपल दिया था यूज एंड डिसयूज के लिए, जिराफ का. जिराफ ने, उसने कहा यार नीचे का सारा खाना खत्म हो गया, जिराफ को ऊपर 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 मुंडी करके खाना खाना पड़ा. ऊपर 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 मुंडी करके खाना खाया, नीचे तो उसका नेक जो है वो लंबा हो गया. अब नेक लंबा हो गया क्योंकि उसने नेक को यूज किया. और जो यूज नहीं करेगा, स्नेक्स हैं, स्नेक्स जो है वो रिगल करते हैं, रेंगते हैं, वो अपने आर्म्स का यूज नहीं करते, राइट? तो उसकी वजह से डिसयूज तो चला गया. पर स्नेक्स के पास तो रूडिमेंट्री लिम्स होते हैं, लिम्स के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. तो साइंटिस्ट ने पकड़ लिया उसको, साइंटिस्ट कहते हैं इधर आ लेमार्क. हाँ बोलो बोलो, क्या कहते हैं, ये तो स्नेक यूज नहीं कर रहा है. कहते हैं यस डिसयूज हुआ ना, मैं बोल रहा है डिसयूज हुआ. कहता हाँ मान लिया डिसयूज हुआ. नहीं पर भाई उन्होंने स्नेक को कट करके देखो, इसका तो रूडिमेंट्री लिम्ब है, तो क्या बोल रहे थे, नहीं होना चाहिए इसके पास तो है. तो यूज उसने बोला, जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, प्रकाश पादुकोण है, दीपिका पादुकोण का फादर, बहुत बढ़िया बैडमिंटन खेलता है. इस हिसाब से तो दीपिका पादुकोण को बैडमिंटन खेलना चाहिए था. यू इट इज अ थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. इस हिसाब से तो सलमान खान के बच्चे बॉडी बिल्डिंग पैदा होने चाहिए थे. यस और नो, यस और नो, कि एक्वायर जो कर लिया वही कैरेक्टर आगे पास होगा. पर ऐसा नहीं होता, इट डज नॉट. सो थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, बिकॉज स्नेक्स के पास रूडिमेंट्री लिम्स पाए गए, बिकॉज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स पास नहीं होते. कौन से कैरेक्टर पास होते वाली मैम को बताओ, वो कैरेक्टर्स पास होते हैं जो जीन्स में होते हैं, वो कैरेक्टर्स पास होते हैं जो गैमीट्स में होते हैं, और कोई कैरेक्टर पास नहीं होता है. अंडरस्टूड? इज एवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस? इट इज बोथ. वी आर स्टिल नॉट क्लियर. इट इज अ कॉन्स्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस. हर बार इट इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग. जो कैरेक्टर्स जीन में होते हैं, प्रीतु जीन का मतलब होता है GENE. जी, इसके बाद एक अच्छा दो साइंटिस्ट थे, एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, जिन्होंने डार्विन को बहुत इन्फ्लुएंस किया. एक साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया, उन साइंटिस्ट का नाम था आर्थर रुसेल वॉलेस. और वॉलेस ने मलय आर्किपेलेगो में स्टडी किया. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मार्क करवाया था, आर्थर रुसेल वॉलेस, और इन्होंने मलय आर्किपेलेगो में काम किया. दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने पॉपुलेशन की स्टडी की, उनका नाम था थॉमस आर मैल्थस, टी आर मैल्थस, थॉमस आर मैल्थस.
इन्होंने भी डार्विन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। इन्होंने कहा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमेशा लिमिटेड होता है, पानी लिमिटेड होता है, मिट्टी लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, पेड़ पौधे लिमिटेड है, पर पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली उग रही है, राइट? पॉपुलेशन तो एक से दो, दो के बच्चे आ गए और चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, पॉपुलेशन तो एक्सपोनेंशियली उग रही है, पर आपका फूड ग्रेन एक्सपोनेंशियली नहीं उग सकता है। इसीलिए हमेशा क्या होगा, मिसमैच, रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। आपके पास कितनी सीट है, 50,000 सीट है, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 18 लाख बच्चा एग्जाम दे रहे हैं, तो 50,000 सीट के पीछे जब 18 लाख बच्चा एग्जाम देगा आपस में क्या होगा, कॉम्पिटिशन, और सर्वाइवल किसका होगा, ऑफ द फिटेस्ट, वही जिसके पास बेस्ट कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स क्या होगा, जिसने फिजिक्स बार बार पढ़ा है, जिसने केमिस्ट्री पढ़ा है, एग्जैक्टली उसने कहा कोई भी दो इंडिविजुअल, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, जिसके पास ऐसी वेरिएशन होंगी, जो अच्छी वेरिएशन है वो सर्वाइव कर जाएगा, और जिसके पास ऐसी वेरिएशन होंगी जो अच्छी वेरिएशन नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हमेशा कॉम्पिटिशन इंक्रीज होता है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, और फिर आपस में होता है कॉम्पिटिशन, और इस कॉम्पिटिशन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसके पास ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बेटर अडेप्टेड है, जिसके पास ऐसी वेरिएशंस है जो यूटिलाइज हो सकती है, जो बेटर अडेप्टेड है, और ऐसा ऑर्गेनिज्म, लास्ट लाइन पढ़ो, जो ज्यादा प्रोजेनी छोड़ के जाएगा, बिकॉज रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जो ज्यादा प्रोजेनी छोड़ के जाएगा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, राइट, वो सर्वाइव करेगा जो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी छोड़ के जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक और साइंटिस्ट आए, इन्होंने मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन की बात की। इन्होंने कहा यार ये एवोल्यूशन एवोल्यूशन धीरे धीरे हजारों साल में, मिलियन ईयर में धीरे धीरे कैरेक्टर आया, एक ने बीज खाना शुरू किया, बीज थोड़ी चेंज हुई, दूसरे ने बीज खाना शुरू किया, जनरेशन ने बीज चेंज हुई, तीसरी जनरेशन भी बीज खा रही है, बीज चेंज हुई, ऐसे करते करते हजार जनरेशन के बाद चेंज आएगा। कहते ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, बकवास है, हमेशा एवोल्यूशन एक सिंगल स्टेप में होगा, सडनली कुछ नया आ जाएगा, सडनली आप रात को सोओगे आपकी बॉडी में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन म्यूटेशन कर देंगे, अगली जनरेशन जो है कुछ और पैदा हो जाएगी। जैसे सडनली शॉर्ट लेग्ड शीप पैदा होगी, एंकन शीप, पोल्ड कैटल, म्यूटेशंस होती हैं पर हजारों लाखों में एक चीज म्यूटेशन से पैदा होती है, ऐसी कैटल, राइट, ऐसी काव शुरू हुई जिसके सींग नहीं थे, बिना सींग के काव को कहते हैं पोल्ड कैटल। क्या कहते हैं श्रेया, पहले नाम बताओ मुझे, बिना सींग के काव को कहते हैं पोल्ड कैटल, पोल्ड, एंकन शीप, बिल्कुल छोटी 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 शीप। म्यूटेशन इज सडन चेंज इन द जीन्स, अगर किसी के भी जीन में सडनली कोई चेंज आ गया बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बिकॉज ऑफ केमिकल, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, सडन चेंज इन द जीन इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। अब इन्होंने कहा कि चेंज जो है वो बहुत ही ज्यादा सडन होगा। क्या कहा इन्होंने, जो चेंज है वो बहुत ज्यादा सडन होगा, ऐसे सडन अगर जंप करके कोई चेंज होता है उसको कहा जाता है सैल्टेशन। सिंगल स्टेप चेंज को क्या कहा जाता है, सैल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, राइट। पर लोगों ने कहा कि ऐसा हो सकता है, हजारों लाखों चांस में एक बार है, ये म्यूटेशन कॉज नहीं कर सकते। तो ह्यूगो डिब्रीज नाम का साइंटिस्ट था, ह्यूगो डिब्रीज ने एक प्लांट पे स्टडी की, उस प्लांट का नाम था ऑयनोथेरा लेमार्कियाना। क्या नाम था प्लांट का, वाले नाम को बता दो, ऑयनोथेरा लेमार्कियाना, ऑयनोथेरा लेमार्क ने डिस्कवर किया था इस प्लांट को, लेमार्कियाना। उन्होंने कहा यार ठीक है, आप बोलते हो हम मान लेते हैं, पर ये कभी कभी हो सकता है, इट के नॉट बी द मेन थिंग। जो आप कह रहे हो सिंगल स्टेप लार्ज चेंज, सैल्टेशन कहते हैं इसको, सडन चेंज, जंपिंग जीन, सैल्टेशन टाइप का, ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो सकता है। इन्होंने स्टडी की थी ऑयनोथेरा लेमार्कियाना पे। तो सिंगल जो म्यूटेशन है वो नहीं होती, म्यूटेशन जो है वो इट इज नॉट द रीजन फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हमेशा बहुत स्लो स्टेडी होता है। ऑयनोथेरा लेमार्कियाना का एक और नाम होता है इवनिंग प्रिमरोज। क्या नाम होता है वाले हमको बता दो, इवनिंग प्रिमरोज। फिर आते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पे, राइट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, बहुत अमेजिंग प्रिंसिपल है, बताती हूँ आपको डिटेल में, राइट एवरीबॉडी। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है भैया, इसकी बात क्या है, क्या वो कहता है ये प्रिंसिपल? देखो बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता दो तुम लोग को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ये तो महा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं, देखो हार्डी विनबर्ग ने इक्वेशन देने की कोशिश की,
क्या देने की कोशिश की, इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कहती है? अब बहुत अच्छा यार, इंटरेस्टिंग लग रहा है ऐसी चीजें समझाना। एवोल्यूशन का मुझे लगता है पार्ट टू भी लूंगी मैं, सेकेंड पार्ट लूंगी, एक सेशन में नहीं लूंगा। डन, आई विल टेक सेकेंड पार्ट। ले लो ना सेकेंड पार्ट एवरीबडी, क्योंकि यार इसके जो लास्ट में है ना ह्यूमन एवोल्यूशन, वो सब सेकेंड पार्ट कराऊंगी एवोल्यूशन का, टू पार्ट में कराऊंगी। डन, एनिमल किंगडम में एनसीईआरटी से टू पार्ट, इसका पार्ट टू आएगा परसों, कल परसों में। डन, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, आई विल डू पार्ट टू ऑफ दिस। ऑसम ब्लॉसम, चुनो मनो गैंगस्टर्स, कुछ कुछ। डन, यस एवरीवन। पहले तो मुझे ये बता दो नालायक हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा? चुनी मुनी अंकल आंटी आएंगे तुम्हारे? यस, जल्दी बताओ, हैंडमेड नोट्स भी करवा दे तो सब करवा दो, तुम टेंशन ना लो। तो ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहते हैं? देखो बेटा, अगर किसी चीज के साथ छेड़छाड़ ना करो, जैसे मधुमक्खी का छत्ता है ऊपर पेड़ पे लगा हुआ है, तुम्हारे घर के बाहर की खिड़की पे लगा हुआ है, आयशा कभी ऐसा होता है कि मधुमक्खी खुद आके तुम्हारा ऐसे बिन बनाएगी और काटेगी? बताओ, तुम घर से बाहर निकले, मधुमक्खी का छत्ता भी कोने में लगा हुआ है, उसको छेड़ो मत तो कुछ नहीं कहता, यस और नो? आराम से अपना करेंगी, खाएंगी पिएंगी, थोड़ा पोलन ग्रेन इकट्ठा करेंगी, पानी पिएंगी, तुम्हारे आसपास भी आएंगी तो करेंगी, चले जाएंगे। तुम हाथ में ले लो पत्थर और करो धुआं, फिर देखो पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे, यस और नो? वरना कुछ नहीं कहती यार। आई एम मच बेटर नाउ समा, थैंक यू सो मच। कुछ नहीं कहती मधुमक्खियां, बड़ी खुश रहती हूँ, करेंगे चल। बेटा अगर तुमने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया, फिर तो तुम्हारा जो बैंड बजाएंगी वो, जो डांस कराएंगी तुम्हें, देखते रह जाओगे तुम क्या डांस कराएंगी तुम्हें, यस और नो? तो ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल भी ऐसे कहते हैं, कहता अगर तुम किसी चीज को एकदम रहने दो वो ठीक रहेगी, फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन थ्रू द जेनरेशंस। ये एलजेब्रिक इक्वेशन है, मैं इक्वेशन दे रहा हूं, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर ये दो चार चीजें सेम रहेंगी, सेम चलता रहेगा सब कुछ, नॉर्मल स्टेबल रहेगा ग्राफ। पर अगर तुमने कुछ चेंज कर दिया, जीन पूल को चेंज कर दिया, ब्रीडिंग को चेंज कर दिया, तुमने पत्थर लिया और मधुमक्खी के छत्ते में मारा और कुछ कुछ चेंज किया, तो भैया तुम्हारा जेनेटिक इक्विलिब्रियम हिला। अगर तुमने सब कुछ सेम रखा, कुछ भी छेड़ा छुड़ा नहीं, तो तुम्हारा जीन पूल वैसे का वैसे रहेगा, एकदम कॉन्स्टेंट मेंटेन रहेगा। पर अगर तुम्हारे हाथ में आ गया पत्थर और तुमने मार दिया पत्थर, और पत्थर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो भैया तुम्हारा ऐसे मुंह पे बड़े बड़े फोड़े हो जाएंगे, मधुमक्खियां तुम्हारा खून चूस लेंगी। इसको कहते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। कुछ चीजें होती हैं जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को चेंज करती हैं, डिफ्लेक्ट करती हैं, चेंज करती हैं, और कुछ चीज होती है जो इसको बिल्कुल इक्विलिब्रियम इसका मेंटेन करके रखती है। तो कौन सी चीजें हैं जो इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती है और कौन सी चीजें हैं जो इसको चेंज करती है, वही मुझे आपको डिटेल में पढ़ाना है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? ये देखो अब ये कैसे कैसे होता है, ये डायरेक्शनल क्या होता है, स्टेबलाइजिंग क्या होता है, डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। बट एग्जैक्टली यहाँ से मैं अगली क्लास में शुरू करूंगा। यार ये बेस ठीक रखो, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल स्टेबल ऐसे जनरेशंस तक चलता रहेगा। पर तुमने हल्का सा जीन पूल को छेड़ दिया, ब्रीडिंग को छेड़ दिया, कुछ भी पत्थर वत्थर मारा, भैया तुम्हारा पूरा सिस्टम एकदम हिल जाएगा। Is that clear everybody? Aisha, did you understand बच्चों? ये बहुत ज़्यादा important है guys. ये देखो मैंने इस पर क्या लिखा है, दिख रहा है? Very important लिखा है, ये बहुत important है। और ये देखो आगे, ये सारी चीज़ें मुझे तुम्हें करानी है। इसके अलावा gene flow क्या होती है, founder effect क्या होता है, अगली class में मैं blank slide लेकर आती हूँ। And फिर obviously evolution का part कराना है, human evolutions कराना है, and फिर ये chapter खत्म हो जाएगा। खत्म करा दो वरना आज, should I finish it off? जल्दी जल्दी कराओ, ये थोड़ा आराम से कराओ। अच्छा एक काम करें, एवोल्यूशन का टेस्ट लू 30 क्वेश्चंस, एंड देखो मुझे एक घंटे का क्लास में, अगली क्लास में 30 क्वेश्चंस एवोल्यूशन का टेस्ट,
और 20 मिनट्स में ये हो जाएगा, क्या कहते हो? कल का टेस्ट भी पूरा, यस, क्या कहते हो? डन। एवोल्यूशन के 50 क्वेश्चंस और ये बचा हुआ पार्ट पढ़ के आओगे, प्रॉमिस, वी क्विज, प्रॉमिस, लिटरली प्रॉमिस। एवोल्यूशन के 40 या 50 क्वेश्चंस लेकर आती हूं, 40 टू 50 क्वेश्चंस ऑफ एवोल्यूशन एंड ये कूल। ऑल राइट, प्रॉमिस, पढ़ के आना फिर, आज पढ़ के आना, डन, ओके, आई सी यू द नेक्स्ट क्लास देन, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। कल करवा चौथ है, मैं तो ऐसे ही, मैं लोग सुबह खाना खा के सो जाऊंगा, शाम को 5 बजे हमारे यहाँ पूजा होती है, उसके बाद उठते हैं, उसके बाद उठ के मैं 2 बाल्टी चाय पीऊंगी। यस, आई एम वेरी वेरी प्रोग्रेसिव माइंडेड पर्सन, बट एक करवा चौथ का व्रत तो मैं रखती हूँ, तो कल सुबह मैं उठूंगी सुबह 5 बजे, ऐसे 10 पराठे खा लूंगी, शाम के 5 बजे तक सोती रहूंगी, फिर हमारे यहाँ 5 बजे पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद ना चाय पी लूंगी मैं, पूजा करने के बाद हम चाय पी लेते हैं, मैं से एक बाल्टी भर के चाय पी लूंगी। कल तो चांद भी टाइम पे नहीं आता भाई, अजब ही गजब चांद है, कल पता नहीं गायब हो जाएगा, बादल आ जाएंगे और चांद गायब हो जाएगा, 10 बजे तक दिखाई देगा। यस, तो कल यार प्लीज दुआओं में याद रखना, कल तो मैं भूख के मारे से त्राही त्राही मचा रही होंगी। ऑल राइट, बाय, आई सी यू द आफ्टर टुमारो नाउ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू माय बायोटोनियंस, एंड जिनकी भी मदर्स एंड सिस्टर्स एंड एनीबडी इन द फैमिली इज कीपिंग करवा चौथ का व्रत, पे माय वेरी वार्म रिगार्ड्स टू देम एंड टेल देम वानी मैम विश यू वेल। यस, लॉट्स ऑफ लव। और तुम नालायक बच्ची हो, अगर किसी ने फ्यूचर के लिए रखा ना, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी यहीं पे। डन, टेक केयर, बाय।